मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जितने अवेलेबल होते हैं चाहे इंडिया में चाहे इंटरनेशनली केमिकल से बने। आप भी हेयर कलर करती हैं, तो आपने कभी हेयर कलर से रिलेटेड कोई इशू फेस किया है? मेरे बाल बहुत गंदे हो गए एंड उसके थोड़ी देर बाद मेरे स्कैल्प में इचिंग शुरू हुई। जो मोस्ट डैमेजिंग है वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग अमोनिया है। हाइड्रोजन परोक्साइड जो है वो हमारे स्कैल्प को भी डैमेज कर सकता है, मतलब हमारी रूट को। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जिससे टेम्परेरी मुझे नुकसान हुआ। जैसे हमारी स्किन सबकी अलग होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, उसी तरह बाल भी अलग होते हैं एंड यू नीड टू यूज डिफरेंट प्रोडक्ट। तो मेरे दिल पे ऐसा था कि कहीं मेरे बाल यू नो कलर फेड होते ही फिर से ग्रे तो नहीं हो जाएंगे या रफ तो नहीं हो जाएंगे। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। मार्केट में स्पा बहुत हैं अवेलेबल है, लेकिन वो सब केमिकल से भरे हुए हैं। कभी उनके इंग्रेडिएंट पढ़ के देखो, बहुत केमिकल्स होते हैं उसमें। आपको बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई जाती, लेकिन आपको समझनी बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इनफैक्ट मेरी मम्मी खुद कहती हैं कि अगर हेयर कलर ज्यादा यूज किया जाए या बालों को डाई बार बार किया जाए तो बाल और सफेद हो जाते हैं। क्या ये सच है? ये मिथ नहीं है, ये पूरा सच है। फिर हमें पता चला कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वी शुड गो बैक टू नेचुरल। कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें नुकसान देंगे, कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है नेचुरल है, तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। वो मार्क उसी को मिलता है जो प्रॉपरली सब चीज ऑर्गेनिक यूज करेगा अपने प्रोडक्ट में। इस शो में हम डिस्कस करेंगे बालों से रिलेटेड सारे इश्यूज। प्लीज वेलकम टू इंडस वैली प्रेजेंट्स ब्यूटीफुल नेचुरली विद सौम्या टंडन।